नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 13.0 के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ दशमलव में दशमलव संख्या के अनुप्रयोग व उसके परिचय की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला एवं लेखन शैली का विकास करते हैं। साथ ही नवाचार की उपयोगिता को भी समझते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची के माध्यम से संख्याएं, दशमलव संख्या का निरूपण की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को इस नवाचार में एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स व एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ शिक्षकों को निर्देशों का पालन भी करना होता है। जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों से पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट के आधार पर पर्ची बनाकर लाने को कहेंगे। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तथा जिन छात्रों को शब्द और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उन्हें मदद भी करते हैं। आइए अब इसे समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक सभी छात्र पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों और वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर लाकर लाने को कहेंगे और पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसके निर्माण व व्याख्या भी की जा चुकी हो। इस गतिविधि को कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा दिया जाता है, जिससे कि बच्चों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी बताते हैं और छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे आया और बॉक्स से पर्ची निकाली और उसकी पर्ची में 7.65 लिखा है, तो छात्र पर्ची देखकर 7.65 बोलेगा और लिखकर बताएगा कि 7+6 दसवां, +5 सौवां भाग है। इस प्रकार छात्र जब उत्तर विनम्रता से देते हैं तो उनमें विनम्रता का भाव पैदा होता है। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ दशमलव से नई नई संख्याओं को जाना और सीखा और दशमलव की जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, दशमलव पर कार्य करते हैं, संख्या की मदद से दशमलव का जोड़ करना व घटाना और स्थानीय मान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किसी संख्या का अन्य संख्या से तुलना भी करते हैं, भाषा की बारीकियों को समझते हैं तथा अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच जो संवाद करते हैं उससे प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCA 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ दशमलव को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं,
तो कहा जा सकता है कि इस ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।